खुश आमदीद। बैक्टीरिया की खुशकिस्मती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर शाह के कदमपोशी का मौका मिला। उम्मीद है आपको इस नाचीज का तोहफा पसंद आया होगा। बेशक पसंद आया, मेरी मां मलिका ओलंपिया को भी और मेरे सिपह सलार लीटा सोरे फेस्टियन को भी। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया शाह। बैक्टीरिया की तारीख में आज का दिन एक बहुत ही यादगार दिन है, इसलिए हमने आपके लिए एक जश्न का इंतजाम किया है। बेशक जश्न तो होना ही चाहिए, और मैं भी चाहूंगा कि बैक्टीरिया के लिए इस दिन को मैं यादगार बना दूं। ऑक्सी आर्टिस्ट से मिलिए शाह, मेरा सबसे वफादार सिपह सालार है। मौका आने पर ये मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। तो आज का एग्जाम ऑक्सी आर्टिस्ट की वफादारी के नाम। तुमसे किया वादा पूरा होगा रॉक्सैन, आज मैं जश्न में। अपना वादा पूरा करने वालों की बहुत इज्जत करती हूँ मैं। खुशी हुई आपको यहाँ बैक्टीरिया के जश्न में शामिल होता देखकर। आप कुछ सोच रहे हैं शाह एशिया? यही कि जश्न थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, पूरा कर देता हूं।
तुम्हें लगा बिस्तुस कि मैंने तुम्हारी सुलह का पैगाम कबूल किया? नहीं, अलेक्जेंडर ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखता जिन्हें गद्दारी और वफादारी में कोई फर्क मालूम ना हो। वफादारी से अहम कुछ नहीं और गद्दार से अहमक कोई नहीं। तरायस मेरा दुश्मन था मगर तुम्हारा दोस्त था। उसने मुझसे बचने के लिए तुम्हारे पास बना ली और तुमने अपने आप को बचाने के लिए उसी का कत्ल कर दिया। जो अपने दोस्त का कत्ल कर सकता है वो कल को अपने फायदे के लिए मुझ पर भी वार कर सकता है। और दगाबाजों के लिए ना मेरी फौज में कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में। शाह बेसुस ने बताया था कि आप बैक्ट्रिया के सबसे वफादार सिपहसालार थे, इसलिए आज मैं आपको बैक्ट्रिया का नया हुक्मरान बनाने का ऐलान करता हूं जो कि मेरे हुक्म से सल्तनत चलाएगा। तो आज का ये जश्न बैक्ट्रिया के नए शाह ऑक्सियाटस के नाम। हैरत है जिन आंखों में खुशी होनी चाहिए उनमें आंसू। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे वालिद आज बैक्ट्रिया के हुक्मरान बने हैं, तुम शहजादी हो गई हो। ये जश्न का मौका है रॉक्सेन, और जश्न में जाम छलकते हैं आंसू नहीं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इस जश्न में शामिल नहीं होना चाहूंगी। शाह जैसे नेक दिल लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। उन्होंने बैक्ट्रिया की आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। मैं उनकी मौत का जश्न नहीं मना पाऊंगी। इस दुनिया का हर काम एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह होता है रॉक्सेन। हमारा किया गया कोई भी काम किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा, और आखिर में सबको मिलता वही है जिसका वो हकदार होता है। और शाह बेसुस मौत के हकदार थे। फिर तो हम भी उसी सजा के हकदार हुए। हम सबने मिलकर शाह डरायस को पनाह दी थी और हम सबकी मर्जी से उनका कत्ल हुआ था। मैंने बहुत सी जंग लड़ी है रॉक्सेन, और जानती हो हर जंग की सबसे बड़ी सच्चाई क्या होती है कि दुश्मन की फौज के हुक्मरान को खत्म करो और जंग खत्म। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक शाही अपनी सल्तनत के हर नतीजे और हर फैसलों का जिम्मेदार होता है। सही गलत सब कुछ
फतह हो तो उसका सहरा उसके सर पर बांधा जाता है और शिकस्त की कालीख भी उसी के चेहरे पर पोती जाती है। कीमत सिर्फ बेसुस को चुकानी थी। आप चाहे जो कहें शाह एशिया, पर मेरा जमीर मुझे इस जंग जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं देता। अब आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से जाना चाहूंगी। मैं तुमसे यहां तुम्हारा मिजाज जानने नहीं आया हूं रॉक्सी। मैं बैक्ट्रिया की नई शहजादी से यह जानने आया हूं कि क्या वो मुझसे शादी के लिए तैयार है। मैं उस इंसान से शादी कभी नहीं करना चाहूंगी जिसके हाथ उस इंसान के खून से रंगे हों जो मेरे लिए बहुत अजीज थे। गुस्ताखी माफ, पर मैं एक बेरहम कातिल से शादी नहीं करना चाहती। आज इस जनसभा का आयोजन इसलिए किया गया ताकि पौरव प्रजा अपने नए राजा के पहले न्याय में साक्षी बन सके। आपके समक्ष लाया गया अपराधी जब तक आपका राजा था किंतु अपना राजधर्म ना निभा सका, इस स्त्री के बहकावे में आकर ऐसे निर्णय लिए जो राज्य के हित में नहीं थे। और यह स्त्री आप कथित महारानी जो यहां स्वयं अपने राष्ट्र से घात करके आई, इस अपराधी ने यह नहीं सोचा जो अपनों की नहीं हुई वह हमारी क्या होगी। भूतपूर्व महाराज ने स्त्री के साथ विवाह करके हमारे देश के साथ द्रोह किया है, इसलिए यह दंड के पात्र है। और राष्ट्र की प्रथा है कि हर अपराधी को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का एक अवसर दिया जाए। तुम्हें भी दिया जाएगा बंगली। कहो क्या द्रोह का दोष स्वीकार है? हां, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। आजिए हम दोषी हैं क्योंकि हमने विश्वास किया। अपने भाई पर, अपने पुत्र पर, हम दोषी हैं कि अपने परिवार के प्रेम के चलते कहीं ना कहीं हम कदाचित एक राजा के कर्तव्य निभाने से चूक गए। हम दोषी हैं
कि अपने भाई के अपमान का प्रतिकार लेने के लिए हमने एक विदेशी से संबंध जोड़ लिए हैं। हम दोषी हैं। जिस दिन हमारे पुत्र को हमने पहली बार अपने बाजू में लिया, वही हमारे संसार का केंद्र बन गए। उसके भविष्य के अतिरिक्त हमारी कोई और इच्छा शेष नहीं रही। जिस क्षण हमने हमारे पुत्र की आंखों में देखा रानी कड़िका, उस क्षण हमने प्रण लिया कि एक अच्छा पिता बनने के लिए हमें चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। पर हम दोषी हैं कि हम एक अच्छा पिता ना बन पाए। एक राजा और एक पिता के कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाए। हम पात्र हैं इन लोभ बंधनों के, या हमारी ममता के बंधनों को तोड़कर हम सत्य का सामना ना कर सके। हम तुमसे नहीं अपने आप से क्रोधित है कनिष्क कि हम एक अच्छे पिता से न हो सके। वृक्ष यदि ठीक से ना बढ़े तो गलती माली की होती है कि वो उसे ठीक से पनपा ना सका। इसलिए हम दोषी हैं। आज यहां जो हो रहा है उसके उत्तरदायी हम हैं। हमने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना तो सिखा दी, किंतु उचित मार्ग की दिशा बताना भूल गए। जब तुम्हें चोट लगी तो उसके उपचार में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु ये समझाना भूल गए कि कभी भी किसी को भी अनावश्यक चोट नहीं पहुंचानी है। तुम्हें तलवार चलाना सिखाकर योद्धा तो बना दिया, किंतु ये सीख ना दे सके कि कब किसके लिए और किसके विरुद्ध इस तलवार को उठाना। राजा हो अच्छा लगा देखकर, ये कठोर निर्णय लेना सीख गए। बस आशा है कि उचित निर्णय लेना भी सीख जाओ। अगले हफ्ते पोरस में देखिए। सैनिकों, दोनों को इसी समय समाप्त कर दो। और आने वाला है वो जिसकी नीति ने बदल दी भारत की नियति। अनुभव